एक दुकान में घुसा हूं, सारा स्टाफ कहता है तुम पागल हो, कहता है ना, झूठ तो नहीं कह रहा ना, अभी यही चर्चा हो रही थी ना यहाँ पे। समीर, आपका नाम? जोर से बोलो, फरीन। यही चर्चा हो रही थी ना, मैं कह रहा था कि मैं पागल हूं, या तुम कह रही थी कि मैं पागल हूं? मैं ही कह रहा था या तुम कह रही थी? कौन है ये लेडी? आप कौन हो भाई साहब? कौन पागल है? अरे यार, ये सवाल पूछ रहे हो, सब हंसना शुरू कर देते हैं यहाँ पे। कैसी दुकान है भाई ये? हाँ भाई, पागल कौन है? जिसको सवाल पूछो वो पतली गली लेके भाग रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं वही 5'6" रॉबिन हुड। ये एक ऐसी दुकान है जिसमें मैं अकेला कस्टमर हूँ। ये मैडम कौन है जो मानती हैं कि मैं पागल हूँ? उन्होंने मास्क पहना हुआ है, पर ठीक है। बट लेट मी इंट्रोड्यूस द लेडी टू यू। प्लीज अंडरस्टैंड एंड प्लीज अप्रिशिएट, जब एक महिला 1, 2, 3, 4, 5 स्टाफ दुकान में होने के बावजूद अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को घर पे छोड़ के आके अपनी दुकान संभालती है, तो उस महिला की कमिटमेंट जानते हैं क्या होती होगी उसके बिजनेस को? कमिटमेंट की शक्ल देखना चाहते हैं? ये रही कमिटमेंट की शक्ल। मैम, कैन यू टेल अस अ स्टोरी ऑफ हाउ यू स्टार्टेड दिस बिजनेस, व्हाई यू स्टार्टेड दिस बिजनेस? I think so. For buying this pandemic situation, we thought that it is an essential thing, and the hygienic situation is there outside, what we are taking from the bhaiyas and all. तो आज जो कोविड की सिचुएशन है, वी फाइंड कि आज एक स्टोर पे आने के बाद लोगों को वो फ्रीडम होनी चाहिए कि आज हम इतने हाइजीनिक, इतने सैनिटाइज शॉप में विद द स्टाफ और हर चीज़ क्वालिटी वाइज ग्रेड ए एंड ग्रेड बी क्वालिटी के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम प्रोवाइड कर सके एंड कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके कि उसकी एसेंशियल नीड्स पूरी हो सके एंड ही गेट्स द बेस्ट क्वालिटी फॉर द फ्रूट। आप इस कस्टमर के बारे में क्या जानती है? मैं शायद आपकी दुकान में तीसरी बार आ रहा हूँ। पहली बार दो मैडम के साथ आया था, एक बहुत ही पतली भिंडी की तरह थी, एक मेरी तरह थी। वो पहली बार आया था सुबह सुबह आपकी, जिस दिन दुकान खुली थी। उसके बाद मैं दो बारी और आया हूँ, एक बारी और आया हूँ अकेला आया हूँ, और आज भी अकेला आया हूँ। आप मेरे बारे में क्या जानती हैं? But yeah, your knowledge power is very strong for everything. I think so for the foods, and he every time tests my stuff. But what he knows about, what my staff knows about the products and the vegetables, what basically for the fruits. तो बात ये हो रही थी दर्शकों की, अगर मुझे इतनी knowledge है कि एक shopkeeper, एक entrepreneur, एक महिला जो 10-15 staff को manage कर रही है इस outlet में, वो कह रही है कि मुझे इतनी नॉलेज है फ्रूट्स के बारे में और वेजिटेबल्स के बारे में, तो मैं उनके स्टाफ को क्यों टेस्ट करता रहता हूँ? आपका सवाल क्या था, आपका जवाब क्या था? मेरा जवाब यही है कि जैसे बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वैसे जितनी नॉलेज आप शेयर करोगे उतनी नॉलेज बढ़ती है। क्या मैंने धर्मशाला खोल रखी है आम प्रेस में कि मैं नॉलेज शेयर करता रहता हूँ? लगता है आपको कि मैंने धर्मशाला खोल रखी है नॉलेज शेयर करने की? तो ऐसा क्या पागलपन है इस आदमी में जिसको आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं? क्या पागलपन है इस आदमी में? क्यों इसको लोग आके कमेंट्स में कॉम्प्लीमेंट देते हैं, सर आप पागल हो? और क्यों वो हर बार पागल का और मेंटल का और क्रेजी का और ऐसे ऐसे शब्द जब मुझे कहे जाते हैं, क्यों मेरा खून बढ़ जाता है? सोचा कभी किसने? खून इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हर जुनून को पागलपन कहते हैं, हर पैशन को पागलपन कहते हैं, ऑल दैट इज फेयर एंड अनफेयर इन द वर्ल्ड उसको पागलपन कहते हैं। एक छोटी सी चींटी जा रही होती है ना, 100 चींटियां जा रही होती हैं, वो एक दूसरे के पीछे जो एक डिसिप्लिन में जा रही होती हैं, वो भी तो पागलपन है, वो भी तो जुनून है। हर इंसान में जुनून है और हर इंसान में एक हैवान भी तो है, हर इंसान में एक पागल भी है, हर इंसान में एक पार्लियामेंट की सीढ़ियां चूमने का भी तो जुनून है। कोई इंसान दर्शकों गलत और सही नहीं होता, सब दिमाग का खेल है, सब पर्सपेक्टिव्स का खेल है। अब मैं आपको ना, आप सब एडल्ट्स हो,
तो मैं एडल्ट भाषा में आपसे बात करूंगा। एक ब्रॉथेल होता है, एक सेक्स सेंटर होता है, उसको ब्रॉथेल कहते हैं, वहां पे सेक्स बेचा जाता है, वहां पे आप जाके पैसे देते हो और अपनी हवस पूरी करते हो। एक स्टॉक एक्सचेंज होता है, वहां पे भी आप पैसे खर्चते हो और अपनी हवस, अपनी लस्ट फॉर वेरियस स्टॉक्स ऑफ वेरियस कंपनीज खरीदते हो और बेचते हो। बात वो भी सही है, बात ये भी सही है, वो भी एक इलीगल है, दूसरा लीगल है। पर्सपेक्टिव्स है ना, इसी को पर्सपेक्टिव्स कहते हैं और किसको कहते हैं मुझे नहीं पता। तो ये जो जुनून है, ये जो नॉलेज है, ये जो पागलपन है, अगर मैं यह हाथ पकड़ के खड़ा हूं इस डंडे के साथ कि गिर ना जाऊं कहीं, इतना कम है हीमोग्लोबिन, इतना स्ट्रेस है इस आदमी की जिंदगी में, इतना अकेलापन है इस आदमी की जिंदगी में, जब वो हर दुकान में घुसता है तो वो दुकान के मालिक के साथ, बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करता है जैसे शायद एक इंसान तो देखने को मिला, क्योंकि हैवान तो हर एक की जिंदगी में होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं वही 5 फुट 6 इंच रॉबिन हुड, नहीं ये कोई लाइव कॉमेडी शो नहीं था, लेकिन ये बच्चे इसी दुकान में जो अब मेरी शक्ल भी पहचानने लगे हैं तीसरे विजिट में, तालियां मारनी शुरू कर देते हैं जब मैं वो शेर व शायरी करनी शुरू कर देता हूँ जो कभी किसी ने, मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि कभी ज़िंदगी में इतना गम भी आएगा कि रॉबिन हुड अब शायर भी बन जाएगा। कुछ कहना चाह रहे हो भाई साहब? क्या कह रहे हैं? हाँ, कार्ड तो मेरे पास है बेटा, रख ले। कह रहे कार्ड है। मैं कहा कार्ड है मेरे पास, आपके पास क्या है मुझे देने के लिए? चुप कर यार, टैटर लगा हुआ। आपके पास क्या है दर्शकों मुझे देने के लिए जो मेरे पास नहीं है? है इस सवाल का जवाब किसी के पास? नहीं, मैं बताता हूं। मेरे पास है मायूसी, मेरे पास है स्ट्रेस, मेरे पास है 1 करोड़ सवाल कि मेरी जिंदगी में मैं ऐसा क्यों हूं। ऐसी एक मूवी भी बनी थी बॉलीवुड में, मुस्कुराता हूं, अपने आप को, खुद को पागल कहता हूं और गर्व से कहता हूं। हां, जब भी कोई मुझे पागल, मेंटल, अब तो वो भी आदतें पड़ गई हैं कि जब कोई MCBC कहता है तो भी मैं हंसता हूं, जितना ज्यादा कहते हैं मैं उतना ज्यादा हंसता हूं। और एक ये बैठा है बेवकूफ स्क्रीन के ऊपर, देख रहा है मेरी कुवैत में बैठा, मुझे वही कुवैत जहां मेरी प्रिय का जन्म हुआ था। प्रिय कौन है? नहीं नहीं, वो बजाज स्कूटर होता है, वो प्रिया स्कूटर होता था। तो हंसा करो और हंसाए करो। जय जनता, ठोको शेर।